जिंदगी ने मिलेगी दोबारा और गरीबों जैसी शानदार फिल्मों के बाद जोया अख्तर अपनी अगली फिल्म के साथ तैयार है। फिल्म का नाम है द आर्चीज, जो कि इसी नाम के अमेरिकन कॉमिक बुक पर बेस्ड है। आपने अर्ली 20s के अखबारों के पिछले पन्नों पर भी ये कॉमिक जरूर देखी होगी। मैं तो अखबार में सबसे पहले पीछे के पन्ने से ही शुरू करता था, क्योंकि वहीं मजेदार और चटपटी खबरें होती थी। द आर्चीज के इंडियन एडेप्टेशन को लेकर ये फिल्म लगातार खबरों में बनी हुई थी, और इसका एक और बड़ा रीजन ये भी था क्योंकि इससे शाहरुख खान की बिटिया रानी सुहाना खान, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त नंदा और श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर अपना फिल्मी करियर शुरू करने जा रहे हैं। अब इससे पहले आप लोग नेपोटिज्म का झंडा लहराना शुरू करो, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि इन कलाकारों ने काम कैसा किया है। द आर्चीज का ट्रेलर आ गया है, तो देखते हैं कि कैसा है ये ट्रेलर, फिल्म से क्या उम्मीद की जा सकती है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना यशु समर, और मैं जो पाऊंगा सच पाऊंगा। द आर्चीज की कहानी 1960 के इंडिया में सेट है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये कहानी गोवा या उसके पास बसे रिवरडेल नाम के फिक्शनल शहर की है। यहाँ एक स्कूल है जिसमें पढ़ने वाले 7 दोस्तों का एक ग्रुप है, जिस 17 साल के बच्चे हैं, फ्रेंडशिप, लव, लाइफ जैसी चीज़ों को समझने और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दोस्ती में सभी की नोकझोंक के साथ साथ टीनेज रोमांस तो देखने को मिलता ही है, साथ ही एक मुद्दा भी है जिसे ये सारे दोस्त निभाते दिखेंगे। उनके ग्रुप की एक लड़की है वेरोनिका लॉज, जिसका किरदार सुहाना खान ने निभाया है। वो एक बिजनेसमैन फैमिली से आती है, उसके पिता रिवरडेल को मॉडर्न शहर बनाना चाहते हैं, छोटे दुकानों की जगह प्लाजा बनवाना चाहते हैं, बच्चों के खेलने कूदने और हैंगआउट करने के लिए बने ग्रीन पार्क को हटाकर एक आलिशान होटल बनवाना चाहते हैं। बेसिकली फिल्म की कहानी एनवायरनमेंट के मुद्दे से जुड़ती दिखेगी। अगर हमने आज ये पार्क जाने दिया तो कल और भी जाएंगे, ट्रस्ट मी, एक पेड़ भी नहीं बचेगा। आर्ची एंड्रयूज की भूमिका में अगस्त नंदा है, साथ ही वेरोनिका यानी सुहाना खान की बेस्ट फ्रेंड बेटी कूपर यानी खुशी कपूर है, जो आर्ची से प्यार करती है। वहीं जगहैद के रोल में मिहिर है, जो आर्ची के बेस्ट फ्रेंड है। जोया ने अपनी इस फिल्म में एक आईडिया डालने की कोशिश की है, और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि वो काफी हद तक उसे निभा भी गई है। द आर्चीज के ट्रीटमेंट को देखकर वेस्ट साइड स्टोरी की याद आती है। ट्रेलर देखते हुए आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक हिंदी फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं। मिहिर आहूजा, वेदांग रैना, अदिति सैगन, युवराज मैंडा, कोयल पुरी और तारा शर्मा जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा है। ओवरऑल ट्रेलर अच्छा है, और टीनेजर्स को ये मूवी काफी पसंद आ सकती है, क्योंकि इसमें वही टीनेज वाइब्स आती हैं जो वो आजकल के इंग्लिश वेब सीरीज में देखते और पसंद करते हैं। इसके साथ ही अगर एक्टिंग की बात की जाए तो सभी एक्टर्स अच्छे दिख रहे हैं, और सिर्फ ट्रेलर से किसी को जज करना बेईमानी होगी। द आर्चीज 7 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। रिलीज होने के बाद उनके काम पर बात की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको कैसे लगा फिल्म का ट्रेलर अपने कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसे ही अच्छे सच्चे रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग द डॉलीवुड रिपोर्टर।